ओम प्रकाश जी वैष्णव, सिरोही के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी, हमारे चेयरमैन वजिंगराम जी गाची, तेजाराम जी हीरागर, पन्नाराम जी चौहान, यूथ कांग्रेस के सिरोही विधानसभा अध्यक्ष भाई प्रकाश जी मीना, जिला परिषद सदस्य रत्नाराम देवासी, लीलाराम जी, चूनाराम जी और उपस्थित साथी, आपके संगठन के विचारों से रूबरू होने का अवसर मिला। आपने इस मौके पर मुझे याद किया, इसके लिए आपका आभारी। गलतफहमी आपको बहुत बड़ी है कि जैसे मैं कोई सरकार, मैं तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उसके लटक गया। और सिरोही की जनता की सेवा इतने सीमित ध्येय के साथ काम, लेकिन एक नागरिक होने के नाते समाज का हिस्सा है, तो जहां समाज के जिस तबके को भी जरूरत है उसकी जरूरत को आवाज देने का काम जरूर कर। मैंने सरकार को बराबर ये याद दिलाया है समय समय पर कि आपने घोषणा पत्र में क्या वादे किए, और जब मुकरने का प्रयास किया तो मैंने इसको कटघरे में ही खड़ा किया। लेकिन हम सबसे लड़ाई कमजोर इसलिए पड़ जाती है कि समाज में जब जब जिस जिसको जरूरत होती है या कठिनाई होती है हम उनके साथ खड़े नहीं रहते। नोटबंदी आई, हजारों लोगों की छटनी हुई, लोग नौकरियों से गए, दुकानों में काम से गए, हम उनके साथ खड़े रहे। आज भी दुकानों में आप देखते होंगे लोग 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं, उनकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ नहीं समझते। और ऐसे ऐसे ही कारणों से समाज की ताकत कमजोर होती है। हम सबकी ताकत समाज में जिसके साथ भी गलत हो उसके साथ में खड़ा रहना है। हिंदुस्तान में कर्मचारी आंदोलन कमजोर क्यों हो गया? इसलिए कमजोर हो गया कि कर्मचारी आंदोलन ने अपनी लड़ाई सिर्फ खुद की सुविधाओं तक सीमित की। मैं जब स्टूडेंट होता था, लॉ में पढ़ता था, उस समय के कर्मचारी संगठन समाज की हर समस्या को, समाज के हर मुद्दे को अपनी लड़ाई समझते और उन मुद्दों पर भी लड़ते थे जो कर्मचारियों के हितों के अलावा हुआ। तो कर्मचारी आंदोलन का एक दबदबा था, कर्मचारी आंदोलन का एक जज्बा था, कर्मचारी नेता को एक बहुत बड़ी ताकत माना था। आज रेलगाड़ियां बिक रही है तो बिक रही है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं तो बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं तो बिक रहे हैं, बैंक बिक रहे हैं तो बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बिक रही है तो बिक रही है। हमें कोई जब इन सारे मुद्दों पर पढ़े लिखे होने के बाद भी, जिम्मेदार नागरिक होने के बाद भी हम प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते तो हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं। ये मूवमेंट जयपुर में बीच में हुआ, सीएचएफ कितने महीने समाज पर क्यों उतना प्रभाव नहीं गलत डाल रहा है कि सरकार ये समझती कि संपूर्ण समाज इनके साथ में खड़ा हुआ।
इसलिए आप नौजवान लोग, मैं आपसे विनती करूंगा कि हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया कर्मचारी की आनी चाहिए, पढ़े लिखे नागरिक की आनी चाहिए। अब ये जो विस्तार से प्रवीण जी ने बातें रखी है, हालांकि आपने मुख्यमंत्री जी को भी ये बातें बताई और मैं भी सिरोही के कामों में ज्यादा व्यस्त होने के कारण, क्या आपके समझौते हुए हैं, क्या ये संविधान नियम आए हैं, क्या प्रक्रिया है, मैं इसका अध्ययन नहीं कर पाया। अब आपके बीच में आया हूं और आपने नए सिरे से आपत्तियां कुछ रखी है, तो मैं इसका अध्ययन करके सक्षम स्तर पर उसको उठाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं संविदा पर कर्मचारियों को रखने के खिलाफ, मैं ये बिल्कुल नहीं पसंद करता कि आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आपको रेगुलर भर्ती करनी चाहिए और रेगुलर भर्ती के माध्यम से कर्मचारियों को रखना चाहिए। ये संविदा पर रखना शोषण का एक दूसरा तरीका है और ऐसा तरीका है जिसमें आप पढ़े लिखे बच्चों की जिंदगी खराब कर, सालों साल निकल जाते हैं और वो अपने परिवार के सपने भी पूरे नहीं कर। पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान की हुकूमत और सारी हुकूमतें इस राह पर ही चल चल उनको मजा आता कि यार 50,000 में 5 आदमी, ये तो 50,000 में 2 आदमी मिल रहे। जब लोक कल्याणकारी सरकारें इस मानसिकता से काम करने लग जाती है तो वो समाज के लिए बहुत खतरनाक और बहुत घातक होता है। आज एक भी अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं, देश में एक भी अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं, और पढ़े लिखे तो संपूर्ण प्रक्रिया को, समाज को भी और सरकार को भी, सर्क को नए सिरे से समझने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं कि कर्मचारी के लिए कोई पार्टी नहीं, कर्मचारी को तो हुकूमत से लड़ना ही पड़ता है, चाहे हुकूमत कांग्रेस की हो चाहे हुकूमत बीजेपी की। पर इतने सालों का इतिहास आपको जरूर समझना चाहिए कि कौन सी सरकारें रही है जिन्होंने कर्मचारियों के हितों में निर्णय किए और कर्मचारियों के हितों में काम, हम वो भी नहीं समझना चाहते। जब समय आएगा जब उसी लेकिन वही पूछड़ा तो दिमाग में घुसा हुआ है उसी पूछड़े, आज कोई सवाल नहीं करता कि वाजपेयी जी आपके क्या समस्या आ गई थी कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, कोई पूछता है, किसी ने सवाल किया? इस विधानसभा में भी सबसे पहले ये मुद्दा मैंने उठाया, ये न्यू पेंशन स्कीम आप ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर करेंगे। इस सरकार को भी 3 साल बाद समझ में आया, उठाया तो मैंने 2019 में समझ, और अब भी देश में इतने प्रांतों में जिनकी हुकूमतें हैं, देश में हुकूमत है, आप में से कोई पूछता है? नेता आता है, बीजेपी का मंत्री आता है, सांसद आता है, पूछते हो कभी खड़े होकर उनके कि भैया तुम ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी पार्टी कर्मचारी विरोधी क्यों है? अगर कंट्री के अंदर 3-4 राज्यों की सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम पर आ सकती है तो तुम्हारी पेट में क्या दर्द है? क्यों कि तुम्हारे दिमाग में भी वो जाति का कचरा घुसा हुआ, वो धार्मिक षडांग घुसी हुई जिसको ले लेके घूमते हो और उसी मानसिकता से जाके समाज को भी गुमराह करते हो। मेरी बातें कड़वी लगेगी आपके, पर मैं जानता हूं कोई ये सिरोही के पंचायत सहायक भी मेरे से छुपे हुए नहीं, इनकी भी जन्मपत्री पता है मुझे। तो सिद्धांतों पे आओ, नीति पे आओ, गलत है उसका विरोध करो, हम भी गलत कर रहे हैं तो हमारा विरोध करो। मैं कौन सा इस सरकार का विरोध नहीं करता, 2500 बार आपने देखा मंत्री को आमने सामने कहा, क्यों? हम लोगों के हक में काम करें, गुलामी करने के लिए नहीं आए। तो मैं
सिर्फ पंचायत सहायकों की बात नहीं, पूरे राजस्थान के संविदा कार्मिकों की नियमितीकरण की मांग पर प्रतिबद्ध और इस लड़ाई को लड़ने के प्रति भी प्रतिबद्ध और इस बात के लिए पूरा दबाव बनाएंगे कि आपने चुनाव में वायदा किया है तो आपको पूरा करना है। कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जिन वायदों पर आपने चुनाव लड़ा है, जो आपका घोषणा पत्र है, उस पर हम सवाल जवाब करेंगे करेंगे और करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा उनसे भी सवाल करना, जो 15 लाख रुपए का क्या कह, जो 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का क्या कह, जो महंगाई कम करने का कह करके गए, जो डीजल का भाव घटाने का कह करके गए, जो पेट्रोल का भाव घटाने का कह कह, जो खाद का भाव घटाने का कह कह, उनसे सवाल। और इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत, आज रक्षा क्षेत्र के अंदर विदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लिया, रेलवे के अंदर लिया, बैंकों और इंश्योरेंस में कई गुना बढ़ा दिया, जिस मुद्दे पर 45 दिन तक पार्लियामेंट ठप करके रखी थी, राज आते ही सुर बदल। और सवाल नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो ये प्राइवेटाइजेशन आने वाली पीढ़ी की नौकरियों को खा जाएगा। खास तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति अगर बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास क्या है, फैक्ट्रियां चल रही या दुकानें चल रही? तुम्हारे उत्थान का एकमात्र जरिया है सरकारी नौकरी, और ये सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हक किसके खाएगा? अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया, अब तो सभी आ गए, अब कौन चपेट में नहीं आ रहा? इसलिए इन सारी बातों को समझो, मेरे हित में, मेरे हित में, खुद के हित में लड़ना, हर सरकार से सवाल करना, सिर्फ जाके वोट देने अपना काम। और वोट की कितनी ताकत है वो तो आप समझ गए होंगे सिरोही वाले, तो एक निर्दलीय को वोट देने में कितने 1000 करोड़ रुपए आ जाते हैं। ये आपके वोट की ताकत है क्या? आपने समझदारी दी नहीं तो औका ही भाड़ता है, 10 साल औका भाड़ा ही। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप मुझे नहीं भी बुलाते तो भी मैं उस लड़ाई को। और मुझे 2019 में भी किसी ने कहा नहीं था कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाओ, या बाद में भी जब मैं कल्ला कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन कल्ला जी से विधानसभा में लड़ा, तो आप में से किसी ने आके मुझे कहा नहीं था कि लड़ो? हम अपने अंतर आत्मा की आवाज से, अपने मन से। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने संघर्ष में कामयाब हो, और सरकार से जिस स्तर पर भी बातचीत करनी होगी मैं बातचीत भी करूंगा, और आप लोगों को अगर मिलाने की कोई आवश्यकता हुई तो उसमें भी मैं आपका सहयोग करूंगा। आपने इस मौके पर मुझे याद किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, वार्षिक सम्मेलन में जुटे सिरोही, जालोर और पाली के पंचायत सहायक चुनावी वादे को पूरा करने के लिए लड़ाई का आह्वान यहां पर किया। पहली बार 3 जिलों का पंचायत सहायक सम्मेलन हुआ और यहां पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठा, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का 11 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रति जताई प्रतिबद्धता। आप देख सकते हैं, समीपवर्ती गांव पारड़ी एम के महाकाली मंदिर परिसर में रविवार को पहली बार 3 जिलों के पंचायत सहायकों का सम्मेलन एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। वार्षिक सम्मेलन में जुटे जालोर, सिरोही और पाली के पंचायत सहायकों ने
कांग्रेस से चुनावी घोषणा पत्र पूरा करने और लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया। सम्मेलन में सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा का मुख्य अतिथि रहा। इन्होंने कहा कि समाज की जिस तबके को जरूरत है उनकी आवाज हूँ, हर मुद्दे पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। पंचायत आयुक्तों की मांग सक्षम स्तर पर उठाऊंगा। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इसके लिए पूरा दबाव बनाएंगे। चुनावी वादे को पूरा करने के लिए लड़ेंगे। हर सरकार से सवाल करना सीखो। पुरानी पेंशन का भी मुद्दा 2019 में उठाया था। सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए फिर से पुरानी पेंशन शुरू की। ये दोस्तों शब्द हैं सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा के। साथ ही सरकार ने इन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने कहा कि सिरोही विधायक सरकार के मजबूत स्तंभ हैं। सरकार से संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। पंचायत सहायकों ने शिक्षा का स्तर सुधारा, लेकिन सहायकों का जीवन ग्रत में चलता गया। सरकार ने सत्ता में आने पर नियमित करने का वादा किया, लेकिन निभा नहीं रही है। सरकार ने अडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन हमारी मांग नियमितीकरण की है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अमरदास वैष्णव, मीडिया प्रभारी पूर्ण सिंह, आबू रोड ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह, राजपुरोहित, शिवगंज ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत सिंह, इसके अलावा अन्य पंचायत सहायक मौजूद रहे। आप देख सकते हैं पंचायत सहायक सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रवीण जसरापुर के नेतृत्व में सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा का 5 ब्लॉक अध्यक्षों ने 11 किलो की पुष्पहार से अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक को संघ की ओर से तस्वीर भेंट की। साथ ही आप देख सकते हैं अब नियमितीकरण ही पंचायत सहायकों की मांग। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के वार्षिक सम्मेलन एवं चिंतन शिविर में जिले के साथ जालोर पाली से आए पंचायत सहायकों ने एक ही मांग नियमितीकरण की रखी। इस मौके पर शिवगंज के चुनाराम हीरागर को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संयम लोढ़ा की पहल पर शिक्षा विभाग में अडॉप्ट की प्रक्रिया शुरू की है। अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं पंचायत सहायकों ने अडॉप्ट प्रक्रिया में पुराना अनुभव जोड़ने, ग्रेड पे निर्धारित करने की मांग की। सिरोही पंचायत सहायकों की पहल को जालोर में शुरू किया जाएगा, इसके लिए लेकर घोषणा की गई है। अब जालोर जिले में भी पंचायत सहायकों का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सीएम सलाहकार संयम जी लोढ़ा ने यहां पर संविदा कर्मचारी, पंचायत सहायक और अन्य जो संविदा कर्मचारी है उनकी आवाज बुलंद करने का भरोसा जताया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि सरकार से जो वादा किया है वो लेकर रहेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि पूरा दबाव बनाएंगे, साथ ही चुनावी वादे को पूरा करने के लिए लड़ेंगे। हर सरकार से सवाल करना सीखो। इन्होंने कहा वर्ष 2019 में मैंने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया था जो सरकार ने पूरा किया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।